हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल बंडल ऑफ लर्निंग आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक इम्पॉटेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ ओड एंड इवन नंबर्स तो सबसे पहले हम देखते हैं इवन नंबर्स द नंबर्स डेट कैन बी काउंटेड इन पेयर्स आर इवन नंबर्स जिन नंबर को हम पेयर्स में काउंट कर सकते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सिक्स बर्ड्स हैं हमारे पास में सिक्स बर्ड्स मीन्स थ्री पेयर ऑफ बर्ड्स कैसे पेयर मतलब टू अगर हम बर्ड की बात करें तो टू बर्ड्स का एक पेयर बनेगा इसी तरीके से हमारे पास फोर बर्ड के टू पेयर बन जाएंगे और सिक्स बर्ड्स के थ्री पेयर बनेंगे यानी कि एक में एक पेयर में टू बर्ड्स हैं या टू एनिमल्स हैं या कोई भी टू थिंग्स हैं तो जिस भी थिंक की हम बात करें जिस भी एनिमल की हम बात कर रहे हैं तो दो एनिमल्स को या दो बर्ड्स को मिला के यहाँ पे क्या बन रहा है एक पेयर बन रहा है सिक्स बर्ड का मतलब हमारे पास थ्री पेयर ऑफ बर्ड्स अगर ये पेयर फॉर्म नहीं होते हैं तो वो नंबर इवन नंबर नहीं होता है सिंपल वे में हम समझें इवन हैव समझे डिजिट जीरो प्लेस इवन नंबर क्या होते हैं किसी भी नंबर के वंस प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो अगर जीरो टू फोर सिक्स एट में से कोई है तो वो नंबर हमारा इवन नंबर होगा फॉर एग्जाम्प Sample, ये नंबर है हमारे पास प्लेस की बात करें तो प्लेस पे हमारे पास 4. तो हमने यहां पे बताया अगर नंबर के वंस प्लेस के ऊपर जीरो टू फोर सिक्स एट में से कोई डिजिट है तो यहाँ पे फोर है और फोर यहाँ पे है इट मींस ये इवन नंबर है तो इसको हम टिक करेंगे नेक्स्ट नंबर है हमारे पास एट एट एक ही नंबर है सिंगल डिजिट नंबर है तो वंस प्लेस पे है और इसमें भी देखिए एट है ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो एट भी हमारा इवन नंबर है नेक्स्ट है सिक्स सिक्स वंस प्लेस पे है सिक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये भी इवन नंबर है नेक्स्ट है फाइव अब फाइव देखिए यहाँ पे नहीं है जीरो टू फोर सिक्स एट में से कोई डिजिट होना चाहिए यहाँ पे है फाइव इट मीन्स ये इवन नंबर नहीं है नेक्स्ट हम बात करते हैं ओड नंबर्स की ओड नंबर्स क्या होता है द नंबर्स डेट कैन नॉट बी काउंटेड इन पेयर्स आर ओड नंबर्स जिन नंबर्स को हम पेयर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे होते हैं ओड नंबर अगर यहाँ पे पेयर में काउंट करते हैं तो वो हमारे इवन नंबर होते हैं बट अगर पेयर में काउंट नहीं करते हैं देन वो हमारे होंगे ओड नंबर्स फॉर एग्जाम्पल सेवन बर्ड्स हैं सेवन बर्ड्स में हम कैसे करेंगे कितने पेयर्स बनेंगे देखिए सेवन टू का एक पेयर बनता है यहाँ पे सेवन है इट मीन्स सिक्स तक थ्री पेयर बन जाएंगे सिक्स के बाद में एक हमारे पास बच जाएगा बर्ड इट मीन्स क्या हो रहा है थ्री पेयर्स यहाँ पे बन गए लेकिन एक बर्ड रह गया इस बर्ड का कोई भी पेयर नहीं बन पाया तो ये हमारा क्या होगा ओड नंबर होगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट पेयर नहीं फॉर्म हो रहे हैं कम्प्लीट पेयर नहीं बन पा रहे हैं तो ये नंबर होगा हमारा ओड नंबर सिंपल वे में जो हम पढ़ते हैं वो इस तरीके से पढ़ते हैं ओड नंबर्स हैव द डिजिट्स वन थ्री फाइव सेवन नाइन इन वंस प्लेस हम इस तरीके से पढ़ते हैं अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस के ऊपर वन थ्री फाइव सेवन नाइन में से कोई डिजिट है तो वो नंबर हमारा होगा ओड नंबर तो इस तरीके से भी हम समझा सकते हैं बच्चों को तो देखिए वंस प्लेस है ये वंस प्लेस पे वन है ये वन भी यहाँ पे है इट मीन्स ये ओड नंबर है नेक्स्ट हमारे पास नंबर है एटी फाइव एट्टी फाइव में फाइव वंस प्लेस पे है फाइव यहाँ पे प्रेजेंट है ये भी ओड नंबर है नेक्स्ट नंबर इज टू टू जो है वो यहाँ पे नहीं है और ये वन थ्री फाइव सेवन नाइन में से नहीं है कोई डिजिट इट मीन्स ये ओड नंबर नहीं है नेक्स्ट इज फिफ्टी नाइन फिफ्टीन में नाइन जो है वो वंस प्लेस पे है और नाइन जो है वो वन थ्री फाइव सेवन नाइन में से है तो यहाँ पे ये फोर्ड नंबर है कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इफ़ द डिज़िट इन वंस प्लेस इज आइदर ज़ीरो टू फोर सिक्स और एट देन द नंबर इज इवन अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो जीरो टू फोर सिक्स एट में से कोई है तो वो हमारा नंबर होगा इवन नंबर अब देखिए ये हमारे पास है कुछ नंबर्स टू हंड्रेड टू हंड्रेड में वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है जीरो है तो ये हमारा क्या होगा इवन नंबर सेवन नाइन टू सेवन हंड्रेड नाइन्टी टू वंस प्लेस पे टू है तो टू हमारा इवन नंबर में काउंट किया जाता है तो ये नंबर हम, हमारा हो जाएगा इवन नंबर यहाँ पे है एटी फोर एटी फोर में फोर है वंस प्लेस पे फोर यहाँ पे है ये भी इवन नंबर है फाइव फोर सिक्स इसमें फंस प्लेस पे है सिक्स तो ये भी हमारा इवन नंबर है नेक्स्ट इफ़ द डिजिट इन वंस प्लेस इज आइदर वन थ्री फाइव सेवन और नाइन देन द नंबर इज ओड अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो वन थ्री फाइव सेवन नाइन में से है तो वो नंबर हमारा होगा ओड नंबर जीरो टू फोर सिक्स एट में से है तो वो इवन नंबर होगा और वन थ्री फाइव सेवन नाइन में से है डिजिट देन वो हमारा होगा ओड नंबर और हमेशा हम वंस प्लेस को ही चेक करेंगे टेंस प्लेस को या हंड्रेड प्लेस को चेक नहीं करेंगे हमेशा वंस प्लेस को ही चेक किया जाता है तो यहाँ पे है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी वन अब वंस प्लेस पे है वन वन जो है वो हमारा किसको शो कर रहा है ओड नंबर को शो कर रहा है सिक्स हंड्रेड नाइनटीन नाइन है वंस प्लेस पे ये भी हमारा ओड नंबर को शो कर रहा है फोर्टी सेवन सेवन जो है वो भी ओड नंबर को शो कर रहा है और थ्री फिफ्टी थ्री ये भी हमारा ओड नंबर को शो कर रहा है अब यहाँ पे कुछ मिक्स एग्जाम्पल देखते हैं अंडरलाइन ओड नंबर यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं जिनमें से ओड नंबर को अंडरलाइन करना है जैसे फर्स्ट हम बात करें नंबर है थर्टी टू थर्टी टू में वंस प्लेस पे है टू टू जो है वो ओड नंबर को शो नहीं कर रहा है इट मीन्स ये ओड नंबर हमारा नहीं है नेक्स्ट नंबर इज सेवेंटी नाइन सेवनटी नाइन में वंस प्लेस पे है नाइन और नाइन ओड नंबर को शो कर रहा है तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे ये ओड नंबर है थ्री हंड्रेड नाइन्टी जीरो है वंस प्लेस पे ये ओड नंबर है नहीं है ई नंबर है नेक्स्ट इज फोर हंड्रेड सिक्सटी फाइव फाइव जो है वो ओड नंबर है देन ये नंबर हो जाएगा ओड नेक्स्ट इज नाइन्टी वन नाइन्टी वन में वंस प्लेस पे है वन तो ये भी ओड नंबर को शो कर रहा है तो ये हमारा है ओड नंबर नेक्स्ट थ्री फोर हंड्रेड थर्टी फाइव फाइव ओड नंबर है है. है. है है, ये ये पे, नहीं नाइन थर्टी एट ये भी हमारा इवन नंबर है नेक्स्ट अंडरलाइन इवन नंबर यहाँ पे हमें इवन नंबर्स को अंडरलाइन करना है फर्स्ट नंबर है हमारे पास फाइव हंड्रेड थर्टी वन वंस प्लेस पे वन है वन ओड नंबर को शो करता है इवन को नहीं करता है 445 हंड्रेड है ये भी ओड नंबर को शो करता है 856 हंड्रेड सिक्स इवन नंबर को शो करता है तो ये हम कर देंगे इसको अंडरलाइन नेक्स्ट इज एटी फोर है तो ये भी हमारा ओड नंबर नहीं है इवन नंबर है नेक्स्ट इज 412 ये भी हमारा इवन नंबर है नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 78 ये भी इवन नंबर है 430 ये भी इवन नंबर है जीरो है वंस प्लेस पे 923 ये ओड नंबर है 509 ये भी ओड नंबर है और 68 ये हमारा इवन नंबर है नेक्स्ट सर्कल द इवन नंबर एंड अंडरलाइन द ओड नंबर इवन नंबर को सर्कल करना है और ओड नंबर को अंडरलाइन करना है तो देखिए फर्स्ट नंबर है 742 ये क्या है इवन नंबर है क्योंकि वंस प्लेस पे टू है तो इसको हम सर्कल करवाएंगे 123 123 में वंस प्लेस पे थ्री है ये हमारा ओड नंबर है तो इसको हम कर देंगे अंडरलाइन नेक्स्ट नंबर इज़ 458 ये हमारा इवन नंबर है सर्कल कर देंगे नेक्स्ट इज 96 ये भी ओड नंबर है सॉरी इवन नंबर है इसको भी सर्कल करेंगे नेक्स्ट इज 849 ये हमारा इवन नंबर नहीं है ओड नंबर है इसलिए हम इसको क्या करेंगे सर्कल सॉरी अंडरलाइन नेक्स्ट वन इज़ 943 ये हमारा ओड नंबर है इसको भी हम करेंगे अंडरलाइन नेक्स्ट नाइन ओड नंबर है इसको हम करेंगे अंडरलाइन। 767 ये भी अंडरलाइन होगा 232 इवन नंबर है सर्कल कर देंगे 195 हंड्रेड ओड नंबर है अंडरलाइन करेंगे 436 इवन नंबर है और इसको करेंगे सर्कल 698 इसको भी करेंगे सर्कल क्योंकि ये भी इवन नंबर है सो so, ये था हमारा मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको आज हमने डिस्कस किया है और इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझने की कोशिश की है आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग